Assalamu alaikum viewers. Viewers, hello, how are you? Viewers, आज जो मेरा टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंजेस ऑफ वर्ब है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस ऑफ वर्ब, लेकिन चेंजेस ऑफ वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच. आर एस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होती है वर्ब की या टेंस की, वो हम कैसे करते हैं, आइए चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, मैंने एक चार्ट बनाकर, डायग्राम बनाकर कोशिश की आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और आसान तरीके से आपको समझ आ सके. अब देखिए, इसमें मैंने कॉलम बनाया 1, 2, 3. ये तीन कॉलम है. ये आर वी, आर वी से मुराद रिपोर्टिंग वर्ब. आर एस रिपोर्टेड स्पीच. देन चेंजेस. अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज है या विल से, देखिए ये पार्ट जो ये रिपोर्टिंग वर्ब इसकी बात कर रहा हूं, इसमें से या सेज आ जाए या विल से आ जाए, तो और रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट, ये देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच इस पार्ट की बात कर. अगर इस पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट आ जाए, फ्यूचर आ जाए या एनी टेंस, तो हम क्या करते हैं कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास टेंस प्रेजेंट पास्ट और रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म है, तो नो चेंज ऑफ वर्ब और टेंस. तो टेंस को फिर हम चेंज नहीं करते. अभी हम इसकी एग्जाम्पल्स देख, यानी आपको देते हुए अभी मैं समझाऊंगा. देख लीजिए, ये समझ आए. अब जैसे इसी की एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं ताकि ये बिल्कुल समझ में आ जाए. देखने अगर से और सेज है, सपोज हम देखते हैं यहाँ पर कि शी, यहां हो जाएगा टेल्स, शी टेल्स मी, कंजंक्शन लगेगा यहाँ पर दैट, प्रोनाउन वही अप्लाई होगा जो हम पहले फॉर्मूले में सीख चुके हैं प्रीवियस में के चेंजेस इन प्रोनाउन. अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होगा, यहाँ क्या है शी, तो यहाँ क्या आ जाएगा शी. अब देखिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, विच फॉर्म इट इज, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, तो फॉर्म चेंज नहीं होगी, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगी. लेकिन शी के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, जैसे ये बी है ना हमारे पास, बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम और आर, ये तीन फॉर्म होती है ना, तो अब हम आई के साथ एम लगाते हैं, ही शी इट के साथ इज लगाते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा इज, ये है प्रेजेंट फॉर्म ही, तो प्रेजेंट ही रहेगी. शी इज अ टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, इट इज क्लियर, शी टेल्स मी दैट शी इज अ डॉक्टर. तो मैंने ये कहा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो वर्ब भी प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, वर्ब भी चेंज नहीं होगा. गेटिंग? लेकिन कंजंक्शन जो दैट वो आएगा, प्रोनाउन की तब्दीली होगी. आर यू गेटिंग इट ना? एग्जाम्पल नंबर टू, कॉलम नंबर वन जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है और कॉलम नंबर टू जिसमें रिपोर्टेड स्पीच लिखा है. अब देखिए कॉलम नंबर वन में यहां लिखा है सैट, अब कौन सी फॉर्म आ गई वर्ब की, सेकंड फॉर्म, और यहां प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, मींस जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं. देखिए जैसे यहां लिखा है सैट और इसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है जिसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है. अब हमने जो चेंजेस करनी है पास्ट इनडेफिनेट में कन्वर्ट कर देंगे उसे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है पास्ट इंडेफिनेट में जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं. अब इसे चेंज कर दें, ही टोल्ड हो जाएगा, टी ओ एल डी टोल्ड, इनफॉर्म भी हो सकता है ये वर्ड, ही टोल्ड मी, कंजंक्शन लगाया हमने दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था चेंजेस इन प्रोनाउन,
आज हम चेंजेस इन वर्ब सीख रहे हैं, लेकिन चेंजेस ऑफ प्रोनाउन कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जरूर होगी। अब देखिए, सेकंड पर्सन है, किससे चेंज हो जाएगा? स्पोकन टू से। ही स्पीकर है और मी स्पोकन टू, इससे चेंज कर देंगे। तो अब मी की यहाँ यू की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? आई। ये हेल्प कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ सेट कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म है। तो अब देखिए, मैंने ये कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म है और इधर प्रेजेंट फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ आ जाएगा एच ई एल पी ई डी हेल्प द नीडी एन डबल ई डी वाई नीडी फुल स्टॉप कोटेशन मार्क खत्म। डू यू गेट इट? ओके, नाउ हमने ये सीख लिया और ये सीख लिया। अब थर्ड है हमारे पास, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, मींस यहां पे सैड है रिपोर्टिंग वर्ब में और इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है जिसमें इज एम और आर ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें वाज और वर इस्तेमाल करेंगे हम। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पर सैड है और यहां एम गोइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कैसे चेंज होगा? अहमद अहमद टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? स्पीकर से, या स्पीकर कौन है? अहमद। अच्छा, एक चीज ओवर नोट कर लीजिए कि अगर यहां पर नाउन है तो फिर इसका प्रोनाउन यहां पर ऐड होगा, नाउन ऐड नहीं होता, नाउन का प्रोनाउन है। अब अहमद ऑब्वियसली ही है तो इसका प्रोनाउन ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एम है, ठीक, और यहाँ कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो निकलता ना, अगर यहाँ सैड आ जाए और यहाँ इज एम आर हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वॉज है वर्ब में। तो अब यहाँ एम की जगह ही के साथ हम क्या पुट करते हैं? वॉज, तो इसलिए आ गया वॉज गोइंग, ऐसे आ जाएगा वॉज गोइंग टू ऑफिस। गेटिंग? एग्जाम्पल नंबर थ्री। तो ये एग्जाम्पल नंबर थ्री भी हमने कंप्लीट कर ली। एग्जाम्पल नंबर फोर पे जब आएंगे तो पहले यहाँ चार्ट तो देख लें, तो क्या है? सेड है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव इस्तेमाल होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसे कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, मीन्स जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। आइए से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन देख लीजिए, अगर यहां सेड है तब यहां वर्ब में चेंजेस आ रही हैं। देखते हैं, ही ओ सॉरी शी टी ओ एल डी शी टोल्ड यू दैट ही, थर्ड पर्सन है, मैंने बताया था थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो यहां ही का एच स्मॉल हो जाएगा। ही हैज और हैव अगर आ जाए तो किसमें कन्वर्ट होंगे? हैड में, लेकिन कंडीशन क्या है? सैड होना चाहिए। अब यहां सैड मौजूद है तो यहां क्या आ जाएगा? ही हैड डन डी ओ एन ए डन हिज वर्क। गॉट इट? समझ आ रही एग्जांपल्स के तौर पर? तो ये लीजिए जनाब, एग्जांपल नंबर फोर भी हमने कंप्लीट कर ली। नंबर फाइव, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हैज बीन और या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड बीन में। देखते हैं एग्जांपल नंबर फाइव, आई सेड टू हर यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 5 मिनट्स। अब देखिए सेड, आई टोल्ड I told her that you, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा? स्पोकन टू से। स्पोकन टू कौन है? शी। शी का सब सॉरी हर, हर का सब्जेक्ट क्या होगा? शी। हैज और हैव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यहां सेकेंड फॉर्म है वर्ब की और यहां कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो हैज और हैव कन्वर्ट हो जाएंगे, हैड बीन ऐसे आ जाएंगे, वेटिंग ऐसे आ जाएगा, हियर जो होगा ना ये चेंज हो जाता है देयर में। अभी ये मैं एडवर्ब की चेंजेस भी बताऊंगा
हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाता है, 4-5 minutes, ये ऐसे आ जाएगा. गेट इट? नाउ वी हैव डन दिस वन 5. एग्जाम्पल नंबर 6 को समझने के लिए देख लेंगे. अगर सैड हो और यहां विल आ जाए, शेल आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, तो आई एम सॉरी, विल वुड में चेंज होगा और शेल भी वुड में ही चेंज होता है. कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर शेल जो है वो शुड में चेंज होता है. मेरे भाई, शेल की सेंस शुड में नहीं आती. शुड एक अलग वर्ड है. अभी मैं जब आगे चलूंगा तो बताऊंगा कि शेल जो शुड किस की वजह से शुड लगता है, कौन सा वर्ड है जो शुड में चेंज होता है. शेल शुड में चेंज होता है, विल आ जाए या शेल आ जाए, दोनों वुड में कन्वर्ट होंगे, कैन कुड में कन्वर्ट होगा और मे वो माइट में कन्वर्ट होगा. बताता चलूं यहां पे, शेल शुड में नहीं होगा, वुड में होगा. अब शुड में जो होगा वो कौन होगा, वो लेट्स वाले जब आते हैं तो वो शुड में चेंज हो जाते हैं. वो कैसे, इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर वीडियोस में आप उसे देखेंगे, समझेंगे. अब देखिए, विल आ जाए तो वुड में कन्वर्ट होगा. अब यानी कहा, शी सेड टू मी आई विल अरेंज अ पार्टी. अभी क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट या इन्फॉर्म मी दैट आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे कन्वर्ट होगा, स्पीकर से. स्पीकर क्या है, शी, तो यहां क्या आना चाहिए, शी विल. यहां कौन सी फॉर्म है, सैड, सेकंड फॉर्म, विल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, तो यहां क्या आ गया, वुड. तो ये हो जाएगा शी वुड अरेंज, ए डबल आर ए एन जी, वुड के बाद कौन सी फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक, फिर अ पार्टी. नाउ दिस वन इज कंप्लीट. अब देख लीजिए, इसमें जो भी चेंजेस हैं हमारे पास, ये मौजूद हैं यहाँ पर, किस तरह कन्वर्ट होंगी, मैंने कन्वर्ट करके आपको बता दी. उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा. ये चेंजेस इन वर्ब एंड टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, अभी ये फर्स्ट पार्ट था इसका, इसके अभी चेंजेस इन वर्ब पार्ट 2 आएगा, ठीक है. ये DD4 के नाम से है. DD4 means direct and indirect speech number 4. Lecture number iska 4 hai. Phir lecture number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Many, many lectures. Inshallah, you will learn. Please subscribe my channel and keep watching my video and convey it as much as you can so that everyone could avail this opportunity. शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.